good morning and welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another brand new vlog and I hope everyone is good. I am fine and आज मैं मम्मी को लेकर जा रही हूँ सिद्धि विनायक मंदिर पे. मैं पहले बहुत बार गई थी सिद्धि विनायक मंदिर पे बट आज फर्स्ट टाइम मम्मी को लेकर जा रहे हैं एंड ऑलमोस्ट वन ईयर बाद ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द हम लोग कैलकाटा जाएंगे. इसके पहले हमने सोचा कि चलो एक बार भगवान का दर्शन करके आते हैं. एंड अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई न्यू हो तो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक शेयर कमेंट्स विद योर फ्रेंड्स. सो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं. एंड बाय द वे आज मेरा आउटफिट पूरा व्हाइट है एंड इसके साथ मैंने ये दुपट्टा लिया है स्काई कलर का. एंड ये आउटफिट मैं दिखा रही हूँ पूरा व्हाइट है. नीचे का भी व्हाइट है एंड ऊपर भी व्हाइट है. बहुत सिंपल सा है. मंदिर पे मैं जा रही हूँ इसीलिए एकदम. एंड अभी 7:30 है तो नहा के एकदम पूरा रेडी भी हो गए. सो चलिए आज का दिन स्टार्ट करते हैं. सो फाइनली हम लोग स्टार्ट कर दिया है. अभी गाड़ी पे है एंड आज मंडे है इसीलिए जैम भी नहीं मिलेगा. सो हम लोग बाय 8:15 8:20 पहुँच जाएंगे. रास्ता पूरा खुला है और आज का स्काई भी कितना सुंदर दिखने में लग रहा है. सो हम लोग सिद्धि विनायक मंदिर पहुंच गए हैं. मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स है यूट्यूब का जो लोग कैलकाटा से है मेनली. अगर आप में से कोई भी बॉम्बे पे आते हो तो देन प्लीज़ डू विज़िट सिद्धि विनायक मंदिर. मन को बहुत शांति मिलेगा. एंड अगर आप लोग बाय फ्लाइट आते हो तो देन कैब से एकदम डायरेक्ट मंदिर के पास ही आ जा सकते हो आप लोग. एंड जो लोग बॉम्बे पे न्यू हो मेरी तरह तो आप लोग दादर रेलवे स्टेशन से भी आ सकते हो. दादर स्टेशन है रेलवे स्टेशन का नाम. सो एकदम पास में ही है दादर स्टेशन से. हम लोगों ने भगवान का प्रसाद माला सब कुछ ले लिया है. अभी मंदिर के अंदर जाएंगे. पहले जब मैं आए थे उस टाइम पे फ़ोन अलाउ नहीं करते थे बट अभी फ़ोन अलाउ कर रहे हैं. सो इसीलिए अच्छे से आप लोगों को दिखा पा रहे हैं. अभी आते हैं मूषक जी के पास. मैं एक्चुअली सिद्धि विनायक मंदिर पे फर्स्ट टाइम देखा था कि मूषक जी के कान पे अगर आप कुछ प्रे करोगे तो वो प्रे सच में ही मैं बोल रही हूँ पूरा होता है. मेरे साथ हुआ है, दो बार हुआ है ऐसे. सो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ. हम लोगों ने भी मूषक जी के कान पे प्रे किया है. दूसरे मंदिर पे भी हो सकता है बट मैंने फर्स्ट टाइम सिद्धि विनायक मंदिर पे ही देखा कि हाँ मूषक जी के कान पे आपको ऐसे प्रे करना पड़ता है. मम्मी को भी आज यहाँ पर पूजा दे के बहुत अच्छा लगा. मम्मी ने बोल दिया ऑलरेडी नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे मंदिर पे. अभी हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए क्योंकि थोड़ा भूख भी लग गए हैं. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट पे इडली ऑर्डर किया था. सो हम लोग इडली खा रहे हैं. नाउ सीरियसली आफ्टर हैविंग सो मच इडली डोसा वड़ा इन बॉम्बे आई स्टार्टेड मिसिंग माई पूरी कचौरी इन कोलकाता. सो ऑलरेडी गाड़ी भी बुक कर दिया मैंने. गाड़ी आ जाएगा तो घर जाएंगे. एंड ऑलरेडी गाड़ी आ गए हैं. सो चलो अभी घर जाके आप लोगों के साथ बात करते हैं. सो अभी जस्ट .10:30 हुआ है. हम लोग घर पे आ गए पूजा करके. बहुत सब कुछ सही से हुआ, टाइम पे हुआ. एंड आज का दिन भी बहुत शुभ है क्योंकि मंदिर पे बोल रहे थे कि आज कुछ संक्रांति या ऐसा कुछ है. तो आज का दिन भी बहुत शुभ है क्योंकि हम लोगों को पता भी नहीं था. हम लोगों ने सोचा कि चलो आज मंडे थोड़ा खाली रहेगा, पूजा देके आते. सो अच्छे से हुआ, सब कुछ टाइम पे हुआ है. पूजा देके घर आए हैं. घर आके बिल्डिंग पे एक और एक अच्छा चीज़ हुआ. मतलब जैसे बोलते हैं ना कि भगवान को आपने अच्छे से मन से प्रार्थना किया एंड घर पर जब आए तो कुछ अच्छे चीज़ें मिल गए हैं. तो वही हुआ हम लोगों के साथ. क्या हुआ है वो मम्मी आके बताएंगे क्योंकि मम्मी के लिए ही मेन वो चीज़ें हैं. एंड बाय द वे अभी थोड़ा चाय पियेंगे क्योंकि बहुत टाइम बाद आज चाय पीने के लिए मूड हो रहा है. तो इसलिए मम्मी चाय बना रहे हैं. चाय पीने के बाद आप लोगों को शेयर करते हैं कि क्या हुआ है. बाय द वे हम लोग मंदिर से एक छोटा सा गणेश जी का मूर्ति लिया है.
मेनली ये लिया है हम लोग गाड़ी पे लगाने के लिए। ये देखिए बहुत क्यूट सा एकदम है, मतलब गाड़ी स्टार्ट करके चलाने से ये भी ऐसे उनके माथे पे जो छतरी है वो भी ऐसे हिलेगा। सो बहुत क्यूट सा है ये। अभी चाय के साथ मम्मी का एंड मेरा बहुत ज़ोर से डिस्कशन चल रहा है। क्या डिस्कशन चल रहा है, एक्चुअली कैलकटा जाने के लिए डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि मम्मी का भी थोड़ा मूड ऑफ हो रहा है कि हाँ कब घर जाएंगी। एंड मेन रीज़न इज़ कि मम्मी ने बहुत दिन नानी के साथ मीट नहीं किया है, तो इनको अभी ख़राब लग रहा है। जैसे सबके लिए होता है ना, मुझे भी मेरे मम्मी के लिए होता है, सेमली मम्मी को भी उनके मम्मी के लिए मतलब नानी के लिए होता है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हाँ चलो आज टिकट बनाएंगे कैलकटा के। तो अभी बताते हैं कि क्या हुआ है। आज का दिन सीरियसली बहुत सूख गए हैं हम लोग। जब अभी घर आए हैं तब मम्मी बताएंगे कि क्या हुआ है। मम्मी अभी मम्मी बताएंगे कि मम्मी को क्या हुआ है, आज क्या मिला है, दिखाओ। मेरे लिए भी गिफ्ट भेजा है एक्चुअली क्या मदर्स डे के लिए। हाँ एक्चुअली क्या हुआ कि अभी रिसेंटली मदर्स डे है, तो मम्मी के लिए भी जीवा से गिफ्ट आया है। अभी क्या गिफ्ट आया है ये मैं दिखाऊंगी। सो मम्मी खुश है कि नहीं, क्योंकि बहुत एवरी इयर्स मैं मम्मी को गिफ्ट देती हूँ, अभी जीवा से गिफ्ट आया है क्योंकि मेरा भी पैसा बच गया है, इसीलिए हम ज़्यादा खुश है। और मम्मी भी सुपर खुश है कि हाँ मम्मी को भी गिफ्ट आया है। और बहुत क्यूट सा एक पेंडेंट आया है, मम्मी तो सुपर खुश है, मैंने चूज करके दिया है। तो ऐसा बॉक्स है, इसको अभी वीडियो बनाना भी पड़ेगा मम्मी को लेके, जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी। सो इसका ये है पेंडेंट, बहुत अच्छा लगा है, छोटा सा एक स्टड है। सो इसको लेके अभी जब मैं मम्मी को लेके वीडियो बनाऊँगी इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके भी देख सकते हो वीडियो को। एंड इंस्टाग्राम का लिंक मैं यहाँ पे दे दूँगी। एंड बहुत जल्दी आई थिंक बाय टुमारो हमको वीडियो देना पड़ेगा, वीडियो अप्रूवल होगा देन उसके बाद ही हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे। सो हम बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड है। क्या होता है ना कि मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिलने लगा है अभी, टच वुड। सो मम्मी को मिल रहा है फर्स्ट टाइम मदर्स डे के लिए, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू माय इंस्टाग्राम फैमिली। सो गाइस आज का वीडियो इतना तक ही है, एंड आई होप एवरीवन विल लाइक दिस वीडियो। आज का दिन बहुत बहुत अच्छा गया है, लास्ट में आके भी बहुत अच्छा गया है। सो आप लोगों में से अगर कोई मेरे चैनल पे न्यू हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड लाइक कमेंट्स करने में भी मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।